नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पे। और आज की जो वीडियो है स्पेशल उन फ्रेशर अकाउंटेंट लोगों के लिए है जिन्होंने फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में अकाउंटेंट जॉब की शुरुआत करी है और वो अकाउंट्स को मेंटेन करने के लिए टैली प्राइम सॉफ्टवेयर का यूज़ कर रही है। तो जब आप टैली प्राइम सॉफ्टवेयर का यूज़ करोगे तो आपको सेल इनवॉइस भी सॉफ्टवेयर से बनाने पड़ेंगे। तो जब आप सेल इनवॉइस इशू करोगे अपने कस्टमर को टैली सॉफ्टवेयर में, तो आपको सेल इनवॉइस बनाते वक्त किन किन बातों का ध्यान में रखना जरूरी है, क्योंकि आपसे जब सेल इनवॉइस बनाओगे तो आपसे कुछ गलतियां भी हो सकती है। कुछ गलतियां ऐसी होती है जिनका हम साथ के साथ हमें पता चल जाता है, लेकिन कुछ गलतियां ऐसी भी होती है जिनको एक फ्रेशर अकाउंटेंट तो क्या, एक एक्सपर्ट अकाउंटेंट के लिए भी उस गलती को ढूंढना बड़ा मुश्किल का काम हो जाता है। तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक आप जरूर देखना ताकि आपको पता चल जाए कि जब आप सेल इनवॉइस बनाओ तो इनवॉइस का प्रिंट देने से पहले आपको एक बार उसका प्रीव जरूर चेक कर लेना है, ताकि आपको पता चले कि आपकी जो टैक्सेबल वैल्यू है उसी के अकॉर्डिंग उसका टैक्स भी सही तरीके से कैलकुलेशन हुआ है या नहीं हुआ। तो वीडियो की शुरुआत करें उससे पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन भी है, चैनल पर अगर आप पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, नोटिफिकेशन बेल को भी आप जरूर दबा लेना। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो जरूर लाइक करना वीडियो को, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर भी जरूर करना। तो शुरुआत करते हैं आज के इस क्लास की। तो जब भी हम टैली सॉफ्टवेयर के अंदर सेल इनवॉइस बनाते हैं तो आप सिंपल वाउचर पे जाते हो, सेल इनवॉइस को सेल वाउचर को सिलेक्ट करते हो, ठीक है। वाउचर का नंबर आप प्रेस किया, उसके बाद में आपने यहाँ पे डाल दिया, क्वांटिटी डाल दी, उसका रेट डाल दिया, ठीक है। और सिंपल हम क्या करते हैं उसके बाद में CGST और SGST टैक्स लगा के और इसी इन वाउचर को आप जो सेव कर, सिंपल फॉर्मेट है, हर अकाउंटेंट ये यूज करते हैं। लेकिन अब यहाँ पर ध्यान में रखने वाली ये बात है भी, अब आपने मान लीजिए यहाँ पर जो स्टॉक आइटम आपने सेलेक्ट करी है, क्वांटिटी सेलेक्ट कर दी, रेट डाल दिया, लेकिन अब आपको इस बात का पता चला भी ये जो टैक्स की जो कैलकुलेशन है ये यहाँ पर सही हुई है या नहीं हुई। आपने देख लिया, मैंने भी टैक्स का लेजर मैंने सेलेक्ट कर दिया, लेकिन टैक्स की वैल्यू ऑटोमेटिक आ गई, क्या ये वैल्यू जो आई है वो सही है या नहीं है, वो आपको यहाँ पर कैसे पता चलेगा। क्योंकि अब आप पर्टिकुलर एक एक स्टॉक आइटम का कैलकुलेशन तो करके देखोगे नहीं, क्योंकि सॉफ्टवेयर के अंदर आपने स्टॉक आइटम बना रखी है, उसके ऊपर आपने टैक्स रेट दे रखी है, टैक्स के लेजर आपने क्रिएट कर रखे हैं, तो बाकी काम सॉफ्टवेयर का बच जाता है, वो टैक्स की कैलकुलेशन आपको ऑटोमेटिक करके देगा, ठीक है। लेकिन अब इस वीडियो के अंदर आपको थोड़ा सा एक प्रैक्टिकल एक वाउचर है जो दिखाते हैं। अब जैसा कि हमारे पास में एक ये इनवॉइस है, ठीक है, हमने डेट डाल दी, पार्टी का लेजर हमने सेलेक्ट कर दिया, स्टॉक आइटम डाल दी, क्वांटिटी रेट वगैरह सब कुछ हमने डाल रखे, ठीक है, सिंपल इनवॉइस बना हुआ है, कोई इसके अंदर वो कोई नई बात नहीं है, ठीक है। और हमने इस वाउचर को सेव कर दिया, ये इनवॉइस हम अभी नहीं क्रिएट करते हैं। अब हमने ये इनवॉइस तो बना दिया, ठीक है, और इस इनवॉइस को अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपकी टैक्स की कैलकुलेशन भी है, टैक्स की कैलकुलेशन भी ऑटोमेटिक आई है, हमने कोई हाथ से नहीं लिखा हुआ, ठीक है। यहाँ हमने क्या लिखा हुआ, सिंपल क्वांटिटी डाली और उसका रेट डाल दिया, उसी के अकॉर्डिंग ये सब कुछ है जो डाटा तैयार हो गया। लेकिन अब हमें इस बात का पता करना है भी यहाँ पर ये जो टैक्स की जो कैलकुलेशन हुई है वो पर्टिकुलर सभी स्टॉक आइटम के ऊपर कैलकुलेशन हो गई या नहीं हुई, क्योंकि आप जल्दबाजी के अंदर से टैक्स लगाने की करोगे और इनवॉइस का प्रिंट की कमांड देने की कोशिश करोगे। लेकिन एक बार आप ये आपको हर इनवॉइस में नहीं करना, लेकिन शुरुआत के दिनों में आपको इन बातों का ध्यान में रखना है। शुरुआत में एक बार ये 10 से 20 वाउचर अगर आपके हाथ से निकल गए तो बाद में कोई दिक्कत नहीं आएगी। शुरुआत के टाइम के अंदर फर्स्ट टाइम जब आप क्रिएशन करोगे एक इनवॉइस, दो इनवॉइस या अलग अलग टाइप की स्टॉक आइटम आप हर इनवॉइस के अंदर यूज कर रहे हो, तब आपको ये दिक्कतें आ सकती है। हमारी सेल इनवॉइस हमने क्रिएट कर लिया, अब आपको एक बार एल्ट एक बटन जरूर, एल्ट के साथ ए, जैसे हम एल्ट ए प्रेस करेंगे तो यहाँ पर ये GST की टैक्स एनालिसिस आ जाएगी, ठीक है। और यहाँ पर आपको एल्ट F1 बटन प्रेस करना है ताकि पूरी डिटेल है जो ओपन हो जाए। अब यहाँ अगर हम देखेंगे तो अलग अलग टाइप की हमारे पास आइटम है, आइटम ए, आइटम बी और आइटम सी। तो सबसे पहले आइटम बी की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हो आइटम बी की यहाँ पर टैक्सेबल वैल्यू तो आ रही है, लेकिन इसके सामने किसी भी प्रकार का कोई टैक्स नहीं आया, ठीक है। उसके बाद आइटम यहाँ देखते हो आइटम ए है, और इस आइटम ए की अगर अपने बात करें तो यहाँ पर इसकी टैक्सेबल वैल्यू भी आ रही है, ठीक है, और सामने इसका टैक्स भी आ रहा है। कितने परसेंट का आ रहा है, 6-6 यानी कि 12% का टैक्स यहाँ पर लगा हुआ है। इसी तरीके से स्टॉक आइटम अपने बात करते हैं सी की,
तो स्टॉक आइटम जो सी है ये हमारे पास यहाँ पर इसकी टैक्सेबल वैल्यू आ रही है और इसके ऊपर यहाँ पर ये टैक्स भी आ रहा है, ठीक है। अब आप कहोगे भाई ये 2762 क्या है, ये 2762 है ये इन दोनों का टोटल है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये जो 1500 आ रहा है ये ऊपर वाला 1500 इस 1500 रुपए का टोटल है। लेकिन अब यहाँ पे आप देख सकते हो आइटम ए जो बी है इस बी का यहाँ पर टैक्स की कैलकुलेशन नहीं हुई है, टैक्स की कैलकुलेशन आइटम बी की और केवल सी की हुई है। यहाँ पर एल्ट एफ वन बटन प्रेस करोगे तो आपको पता चल जाएगा। अगर आप एल्ट एफ वन बटन प्रेस अगर आप नहीं करते हो तो ये डिटेल इस तरीके से खुलेगी, तो इसके टैक्स की कैलकुलेशन आपके सामने आ तो जाएगी लेकिन आपको पता नहीं चलेगा भी इसकी टैक्स की कैलकुलेशन, इसके ऊपर कितने परसेंट का टैक्स है जो लगा हुआ है। वो एल्ट एफ वन प्रेस अगर हम करेंगे तो ये हमें डिटेल दिखा देगा 12-12%। तो इसका मतलब इस बी आइटम के ऊपर आपका टैक्स का कैलकुलेशन नहीं हुआ है। तो अब इस बात को आपको यहाँ वेरीफाई करना है कि इस आइटम पे जो टैक्स की कैलकुलेशन नहीं हुई है क्या ये स्टॉक आइटम टैक्स फ्री है या टैक्सेबल थी लेकिन आपने इसका स्टॉक आइटम के ऊपर आपने इसका सही तरीके से टैक्स रेट है जो प्रॉपर आपने नहीं दिया। तो इसको एक बार हम यहाँ पर रहते हुए कंट्रोल के साथ एंटर बटन प्रेस करेंगे। जैसे हम एंटर बटन प्रेस करेंगे तो स्टॉक आइटम को यहाँ पे अल्टर कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ देख सकते हो यहाँ पर जीएसटी तो आपने एप्लीकेबल कर दिया लेकिन यहाँ पर इसके टैक्स से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपने नहीं दी। यहाँ पर इसको एज पर कंपनी के दे दिया और जीएसटी रेट भी आपने एज पर कंपनी दे दिया जो कि हमने कंपनी के अंदर स्टार्टिंग में मेंशन हम करते नहीं है। तो अगर आपको पता चलता है ये स्टॉक आइटम आपकी एग्जम्प्ट है तो यहाँ पर आपको जीएसटी एप्लीकेबल तो करना है लेकिन यहाँ पर आपको ये जो टैक्स की डिटेल है यहाँ पर भी आपको एग्जम्प्ट देना पड़ेगा। या फिर अगर आपके मान लीजिए आइटम टैक्सेबल थी, इस आइटम के ऊपर टैक्स लगता है लेकिन आप टैक्स देना यहाँ पे भूल गए तो यहाँ पर आप इसको मॉडिफाई कर देंगे हम। तो सबसे पहले आपका एचएसएन कोड वगैरह यहाँ पर डाला जाएगा और उसके बाद में यहाँ से आपसे डेट पूछेगा भी ये जो आप डेट है कब से एप्लीकेबल है। तो आपको ये स्टार्टिंग से एप्लीकेबल डेट देनी 1/4/2024 से और उसके बाद में इसका जो टैक्स रेट है वो टैक्सेबल। अगर आपकी ये आइटम एग्जाम्प्ट यानी कि टैक्स फ्री है तो यहाँ पर आपको एग्जाम्प्ट जरूर सेलेक्ट कराना होगा। अगर इस आइटम पे टैक्स लगता है तो आपको टैक्सेबल और इसका टैक्स का रेट आपको देना पड़ेगा, मान लीजिए इसके ऊपर 28% का टैक्स है जो लगता है। तो ये भी आपको न्यू इफेक्टिव डेट 1/4/2024 और एंटर प्रेस करते हैं, इसको एक्सेप्ट करेंगे। एंटर प्रेस करते हैं, इस वाउचर को हम एक बार वापस आ जाओ सेव करते हैं। हमने इसको एक्सेप्ट कर दिया, ठीक है। वापस हम इसी वाउचर को ओपन करते हैं, एल्ट ए बटन प्रेस करते हैं, एल्ट एफ वन बटन पर प्रेस करते हैं। अब आप यहाँ देख सकते हो आइटम जो हमारी बी थी अब इस बी आइटम के ऊपर यहाँ पर भी इस 1500 रुपये के ऊपर टैक्स लग चुका है 14/14 यानी कि 28%। तो ये जो दिक्कतें हैं इस प्रकार की ये आपको परचेज वाउचर में भी हो सकती है और ये सेल वाउचर में भी दिक्कत आएगी। तो आप एक बार इसको स्टार्टिंग के अंदर दिक्कत आएगी क्योंकि स्टार्टिंग के अंदर आप स्टॉक आइटम नहीं क्रिएट कर रहे हो तो हो सकता है कुछ ऐसी स्टॉक आइटम हो जिसके ऊपर आप अपना जीएसटी का जो टैक्स रेट है एचएसएन कोड है वो देना भूल गए हो, आप उसको नोट एप्लीकेबल कर दिए तो शुरुआत के अंदर एक बार दे दिया तो बाद में ये दिक्कतें आपको नहीं आएगी। अभी इन फ्यूचर जब भी हम इस स्टॉक आइटम बी का इनवॉइस कटेगा तो इसके ऊपर टैक्स की कैलकुलेशन बिल्कुल आपकी सही जाएगी क्योंकि हमने इसके ऊपर टैक्स रेट दे दिया। तो शुरुआत के दिनों में आपको जब भी आप टैली सॉफ्टवेयर के अंदर सेल इनवॉइस इश्यू करो तो आपको एल्ट ए बटन के साथ में इसकी टैक्स की डिटेल आपको जरूर वेरीफाई कर लेनी है। वीडियो अगर आपको नॉलेजेबल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, वीडियो को शेयर भी कर देना और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ वो भी जरूर कर लेना। और वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।